अब शांतिपूर्वक सब लोग बैठ जाए और सब लोग मन में विश्वास रखें कि आप सबकी जागृति आज इस वक्त होने वाली है। मतलब ये कि अपने में दोष मत देखिए। इस वक्त कोई कोई लोग सोचने लगते हैं मेरी कैसी जागृत होगी, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, और बताने वाले भी बताते रहते हैं कि तुमने ये पूर्व जन्म में कर्म करे, वो पूर्व जन्म में कर्म करे, उसके लिए इतना पैसा दो, ऐसी बेकार बकवास करते हैं लोग। जो ऐसा कहते हैं वही पापी हैं, समझ लीजिए। इस वक्त आप मेरे सामने कोई भी पापी नहीं, तो कृपया ये सोच लीजिए कि आपके अंदर जो भी दोष है, जो भी हुआ सो बीत गया, उसका अब विचार नहीं करना। इस वक्त आप शांतिपूर्वक यही सोचिए कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं। ऐसा सोचने से ये चक्र पकड़ता है। जब आप सोचते हैं कि आपके अंदर दोष है तो यहाँ पे ये चक्र पकड़ता है, इससे अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं, जिसे अंग्रेजी में स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, अनजाना कहते हैं, और तरह तरह के प्रकार इस एक चक्र के पकड़ने से होते हैं। तो हो गया सो बीत गया, उस वक्त के अब तक क्यों आप लेकर बैठे। इस वक्त गलती उस वक्त ठीक करना चाहिए। तो अपने को कृपया माफ़ कर दीजिए, और दूसरे ये कि सबको आप एक तरह से पूरी तरह से माफ़ कर दीजिए। उनके बारे में सोचना भी गलत है, क्योंकि उससे भी सर दर्द होता है। अब ये बात सोचिए कि आप माफ़ करें या नहीं करें। आप करते क्या है? कुछ तो नहीं करते। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। लेकिन जब आप माफ़ नहीं करते तो अपने को छलते हैं, सताते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको सताया। इसलिए आप पूरे मन से इन सब को माफ़ कर दीजिए एक साथ, उसमें उनके बारे में सोचने की भी ज़रूरत है। बाकी आप लोग तो एक बड़े पवित्र देश में रह रहे हैं, तो अपने इस धरती माता की पवित्रता को देखते हुए और उसका अंदाज रखते हुए आप लोग कृपया दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें। सब लोग थोड़ा ऊपर इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह से, क्योंकि ये जो पांच उंगलियां हैं और छः और सात और पांच छः और सात, ये हमारे चक्रों के संकेत। और डॉक्टरी में इसमें इनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंडिंग्स माने जाते हैं। तो आप हाथ इस तरह से, इस तरह से हाथ रखने पर चाहे तो आप चश्मा निकाल लें, कोई ज़रूरी नहीं। अब आप मेरी ओर राइट हैंड रखें इस तरह से और सर झुका लें और ये देखें कि ब्रह्मरंध्र से, जिसे कि हम तालु कहते, जो कि एक स्निग्ध सा हिस्सा हमारे सर में बचपन में होता है, उसके ऊपर अधांध्र अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुका के देखें और देखिए कि आप ही के अंदर से कुछ ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या। देखिए, आदि शंकराचार्य ने कहा था इसका वर्णन, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। आशा आपने जूते उतार लिए होंगे, और जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं दोनों पैर अलग कर लें, बाकी सब ठीक है। अब देखिए आ रहा है क्या, चैतन्य का प्रवाह आप ही के सर से आ रहा है क्या। अब शंका मत करिए ठंडा या गर्म, गर्म है तो इसका मतलब है कि आपने अपने को क्षमा नहीं की या दूसरों को क्षमा नहीं की। तो अभी कृपया आप क्षमा करिए। किसी किसी को दूर तक आता है, किसी को नज़दीक आता है, पर सर को छूते हुए हाथ मत रखिए, ऊपर। अब आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर और फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखें कि आपके तालु भाग से उस ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है। मुझे तो लगता है बहुतों को ये लगता है कि आप दोषी हैं, इसलिए भी गरम हवा आ रही है।
कृपया ये सोचना बंद करिए। अब एक बार आखिरी बार फिर से राइट हैंड मेरी ओर करें, सब लोग करें, और फिर सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि ठंडी हवा आ रही है क्या। बहुत से लोग बेकार बातें करते हैं कि कुंडलिनी जागरण से ये होता है, कुछ नहीं होता, आराम मिलता है, तकलीफें जाती हैं, बीमारियां जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है, अनेक विध शक्तियां जागृत होती हैं। ये सब यू इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जागृति आती नहीं है। हाँ, अब आप लोग दोनों हाथ सर की तरफ और एक प्रश्न पूछें, तीन बार एक प्रश्न पूछें कि माँ क्या ये परम चैतन्य है, क्या ये ब्रह्म चैतन्य है, मुझे माँ कहिए, श्री माता जी कहिए, मन में पूछे तीन बार प्रश्न। अब हाथ नीचे ले लीजिए, अब दोनों हाथ मेरी ओर करके इस तरह से, और मेरी ओर देखें और सोचिए नहीं, मेरी ओर देखिए और सोचिए नहीं। किसी किसी को नीचे से हवा रही हो तो वो नीचे से उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरह से दो तीन बार करने से ऊपर आ जाएगा। मेरी ओर देखें, विचार से परे, माने विचार न करें, वो कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने मन से परे उठते हैं और आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो गई। कितने जल्दी हो गई, इसका कारण है ये कलयुग का जोर, हर चीज़ यहाँ जल्दी होती है। अब देख लीजिए, कोई पेड़ हिल नहीं रहा, कोई फूल हिल नहीं रहा, लेकिन ठंडी हवा आ रही। पर जो चीज़ आसानी से मिलती है उसका महत्व हम लोग समझते हैं, इसलिए अब आप अंकुरित हो गए और इस अंकुर का आपको वृक्ष बनाना ही पड़ेगा, यह आपका कर्तव्य है अपने प्रति। और जब ये बनेगा तो आप भी हजारों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ की दुर्दशा ठीक कर सकते हैं, सब में परिवर्तन ला सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद।